what was fantastic on OTT was Karan Johar. मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन जीतेगा, so let's figure that out. अरे क्या इतना आगे क्यों जा रहे हो अभी तुम लोग? अरे मैडम जी, दादा एक मिनट, मैडम जी एक मिनट कर रहे हैं दादा, एक कर दिए दादा, दादा हेलो हेलो रितेश, व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन टुडे? अरे ग्रैंड फिनाले पीछे एक स्टेप पीछे हो जाओ, बहुत फॉलो किया बिग बॉस ओटीटी और क्या सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, दे हैव वेरी एंटरटेनिंग और मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन जीतेगा, सो लेट्स फिगर दैट आउट. आई थिंक सभी सही जा रहे हैं, सबके रिलेशनशिप बढ़ रहे, झगड़ा हो रहा है, प्यार भी हो रहा है और टास्क निभा रहे, कभी कभी टास्क नहीं निभा रहे तो उसके भी दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ रहे. लेकिन वॉट वॉज फैंटेस्टिक ऑन ओटीटी वॉज करण जौहर, कि उन्होंने जिस तरह इस पूरे शो को संभाला है, क्योंकि हम तो जानते ही है कि बिग बॉस यू नो सलमान खान सलमान भाई किस तरह करते हैं, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में अपनी एक अलग पहचान मुझे लगा कि करण जौहर ने इसमें की है. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. एंड ऑल्सो क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें लाइव दिखाना 24/7 एक नया तरीका है. एंड कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर पुलिंग दिस ऑफ. आई थिंक अभी ये खत्म हो चुका है तो मतलब एक खुशी तो मैं पहले महसूस करूँ फिर दूसरी खुशी की ओर. तो मैं क्या करूँ, क्या मतलब क्या होने वाला है अभी, वो देखो ना सर, अभी सब इधर बताऊंगा. आप विनर को थैंक यू.